नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप दिवाकर, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम रूट्स के बारे में सीख रहे हैं और रूट्स से बनने वाले शब्दों के बारे में सीख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं कि पिछली वीडियो कौन कौन सी हैं और उनमें जाके उनको पढ़ सकते हैं, ताकि काफ़ी आपको जानकारियाँ मिलें। तो इसी कड़ी में दोस्तों, मैं कुछ और रूट्स लेके आपको आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो हम सीखेंगे, वो है वेल नोन पर्सन, यानी जो पर्सन बहुत जाना जाता है, चाहे अच्छी चीज़ों के बारे में या बुरी चीज़ों के बारे में। और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास में ऊँचा, यानी टॉप, सबसे ऊपर जिसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो रूट है दोस्तों, वो है नोटस। नोटस का मतलब होता है नॉन। तो यहाँ इससे जो शब्द बनता है दोस्तों, है नोटरियस। नोटरियस एक एडजेक्टिव है, इसके पहले जिस भी शब्द के पहले OUS आता है, इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव होता है। तो नोटोरियस पर्सन वो हो गया जो एक जाना जाता है, किसके लिए, बुरे कामों के लिए। जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है वो नोटोरियस पर्सन होता है। और इसकी जो अपने पास वर्ब होती है वो होती है नोटोराइटी। नोटोराइटी मतलब इसके बाद यानी स्टेट ऑफ कि बुरे कामों के बारे में जाने जाने की स्टेज को हम बोलते हैं नोटोराइटी। अगला जो रूट है दोस्तों हमारे पास, होगा समस्त, यानी हाईएस्ट, यानी सबसे ऊंचा। समस्त इन दो शब्दों में आते हैं समिट। समिट का मतलब होता है सबसे ऊंचा पॉइंट, यानी समिट यानी जैसे पहाड़ का सबसे ऊंचा पॉइंट, किसी बिल्डिंग का सबसे ऊंचा पॉइंट, उसको हम बोलते हैं समिट। इससे अगला शब्द होता है कंस्यूमेट। कंस्यूमेट जो वर्ब का किसी भी वर्ड के पीछे ATE आ रहा है, मतलब वो एक वर्ब होगी। कंस्यूमेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऊंचाई पे पहुंचाना, फाइनल पहुंचाना, फिनिशिंग देना, यानी अंत तक पहुंचाना, अंत तक ऊंचाई तक पहुंचाना, कंप्लीट करना, उसको हम बोलते हैं कंस्यूमेट। इससे जो हमारे पास नाउन बनती है कंस्यूमेशन। और अगला जो रूट है हमारे पास दोस्तों, वह है करीगो। करीगो का मतलब होता है करेक्ट करना, यानी सही करना, सीधा करना। और इन अगर किसी वर्ड के आगे लगता है तो जनरली अर्थ होता है नेगेटिव हो जाता है। तो जी किसी चीज़ को अगर हम सीधा नहीं कर सकते तो उसको हम बोलेंगे इनकरेजिबल, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको हम सीधा नहीं कर सकते उसको हम बोल देंगे इनकरेजिबल। इससे जो हमारे पास नाउन है वो इनकरेजिबली, और जो एक और नाउन है जो इससे बनती है वो इनकरेजिबलनेस। तो दोस्तों ये हमने रूट्स देखे कुछ और कुछ इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखे। अब मैं एक्स्ट्रा शॉर्ट में आपको बताऊँगा कि किसी भी वर्ब के पीछे अगर ATE आ रहा हो, किसी भी वर्ब के पीछे अगर ATE आ रहा हो, तो अगर उसका हमें नाउन बनाना है तो उसके पीछे हम ION लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ION। ये हमेशा फिक्स रहता है, किसी भी वर्ब के पीछे अगर ATE आ रहा है, उसका नाउन फॉर्म हमें बनाना है तो हम ION लगाएंगे। जैसे क्रिएट है, उसके पीछे ATE आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ई हटा के ION लगा देंगे। जैसे इन्फ्लेट यानी बढ़ना, ऊँचा चढ़ना, इन्फ्लेशन में ई हटा के ION लगा दिया। तो किसी भी वर्ब के पीछे अगर ATE आ रहा है, हमें ATE आ रहा है तो ई को हटा के ION लगाएंगे, ये हमेशा फिक्स रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको कुछ और रूट्स बताए और एक्स्ट्रा शॉर्ट में एक सफिक्स के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।